बायोग्राफी ऑफ रूपाली गांगुली। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूपाली गांगुली की बायोग्राफी बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रूपाली गांगुली वर्मा एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो टेलीविज़न और थिएटर में अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। रूपाली गांगुली ने स्टार प्लस के सीरियल संजीवनी में भी अभिनय किया है। डॉक्टर सिमरन चोपड़ा ने भूमिका निभाई और बाद में वे सारा भाई वैसे सारा भाई में मोनिशा सारा भाई की भूमिका निभाई थी। साल 2006 में वो रियलिटी शो बिग बॉस की भी प्रतियोगिता थी। आइए जानते हैं रूपाली गांगुली के जन्म के बारे में। तो साल 1977 में 5 अप्रैल को कोलकाता पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अनिल गांगुली है और उनकी माता का नाम रजनी गांगुली है। आइए जानते हैं इनके परिवार के बारे में। रूपाली गांगुली के पिता का नाम अनिल गांगुली है। रूपाली गांगुली की माता का नाम रजनी गांगुली है। वह एक गृहिणी है। रूपाली गांगुली का एक भाई भी है, उसका नाम विजय गांगुली है, जो कि पेशे से बहुत लोकप्रिय कोरियोग्राफर है। रूपाली गांगुली के पति का नाम अश्विन के वर्मा है। रूपाली गांगुली का एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्रांश है। इनकी पढ़ाई यानी कि एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रूपाली गांगुली ने अपने स्कूल की शिक्षा बेल्टा गर्ल्स हाई स्कूल कोलकाता से की है। उसके बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज कोलकाता, भारत में सबसे पुराना और अग्रणी महिला कॉलेज से की है, वहाँ से उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री प्राप्त की है। रूपाली गांगुली ने शिक्षा योग्यता होटल प्रबंधन में स्नातक से की है। आइए जानते हैं इनके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में अगर हम बात करें तो अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में की थी। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने पिता अनिल गांगुली, जो कि डायरेक्टर है, उनकी फिल्म साहेब से किया था। फिर उस बलिदान फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। अपने कॉलेज के दिनों के से ही वह थिएटर में भाग लेना शुरू कर दी थी और कई नाटकों का हिस्सा भी बनती थी। टेलीविज़न के बारे में अगर हम बात करें तो रूपाली गांगुली ने साल 2003 में सीरियल संजीवनी ए मेडिकल बून में अपना करियर शुरू किया था और डॉक्टर सिमरन चोपड़ा की मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने सुकन्या जैसे सीरियल्स में देखा गया था। इसके बाद दिल है कि मानता नहीं 2002 और जिंदगानी तेरी मेरी कहानी 2003 में दिखाई दी थी। साल 2005 में टीवी सीरियल सारा भाई वैसे सारा भाई में रूपाली गांगुली की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने मोनिशा सारा भाई की महत्वपूर्ण हास्य भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों के साथ समीक्षकों ने खूब सराहा था। रूपाली गांगुली की अन्य प्रसिद्ध भूमिकाएं कहानी घर घर की और बेबी बहुत रही थी। साल 2006 से 2020 के बारे में अगर हम बात करें तो 2006 में रूपाली गांगुली ने रियलिटी शो बिग बॉस का पहला सीजन लड़ा और 72 डेज के बाद सफाया हो गया। रूपाली गांगुली ने बिग बॉस के सीजन 6 में भी प्रतियोगिता रह चुकी थी। उस समय अपने निजी जीवन के कारण वह लंबे समय तक टेलीविज़न की दुनिया से दूर रही थी, लेकिन रूपाली गांगुली ने लगभग 7 साल बाद लंबे समय के बाद उपमा नामक शो के साथ लौटी हैं। अब बात करते हैं उनके सीरियल्स के बारे में। तो दोस्तों, उन्होंने अंगारा, दो आंखें, 12 हाथ, सतरंगी, पैराशूट, ज़रा नचके दिखा, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 2, किचन चैम्पियन 2, मीठी छुरी नंबर 1 जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं वो। आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर के बारे में। तो दोस्तों, रूपाली गांगुली ने 1985 की फिल्म साहेब में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी और उत्पल दत्त मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने अपने पिता अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित 1987 की फिल्म मेरा या मेरा दुश्मन में एक बाल कलाकार के रूप में भी अभिनय किया था। रूपाली गांगुली ने 1997 में फिल्म दो आंखें 12 हाथ में भी अभिनय किया था। इसके बाद अभी वो लौटी हैं अनुपमा सीरियल से। दोस्तों, अनुपमा सीरियल बहुत ही ज्यादा हिट है, आप सभी भी देखते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर सीरियल है। बात करें अगर रूपाली गांगुली के मैरिज के बारे में तो रूपाली टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। रूपाली गांगुली ने 6 फरवरी 2013 को अपने प्रेमी अश्विन के वर्मा से शादी कर ली थी। अभिनय छोड़ने के बाद रूपाली गांगुली एक गृहिणी बन गई थी। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्रांश है। रुद्रांश गांगुली वर्मा 25 अगस्त 2015 में जन्म हुआ था। आइए जानते हैं रूपाली गांगुली के सोशल मीडिया के बारे में। तो वो सोशल मीडिया पर इनके 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर हम बात करें इनके नेटवर्क के बारे में तो उनका जो नेटवर्थ है $1 मिलियन से लेकर के $5 मिलियन तक है, यानी कि वेतन इनका 60,000 रुपये प्रति एपिसोड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।